अमेरिका में पढ़ने वाली होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत मामले में पुलिस को आखिरकार घटना के 5 दिन बाद सफलता मिल गई। एसआईटी की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटना का खुलासा किया। पुलिस खुलासे में सामने आया कि सुदीक्षा की मौत महज सड़क हादसे में हुई थी, जबकि पुलिस जांच में ये भी साफ हो गया कि सुदीक्षा के साथ छेड़छाड़ जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। देखिए, दिनांक 10 अगस्त को एक दुखद सड़क दुर्घटना में एक बहुधनी प्रतिभा की बच्ची सुदीक्षा भाटी, जो अमेरिका में पढ़ रही थी, उसकी दुखद मौत हो गई थी। और उसमें हमारे पास जो जानकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार थी, उसमें केवल UP-13 नंबर की बुलेट का जिक्र था और दो लड़कों के उस पर सवार होने की बात कही गई थी। पूरे जनपद में 10,719 बुलेट मोटरसाइकिलें हैं। हमारी अलग अलग टीमों ने इन मोटरसाइकिलों के मालिकों का पता ज्ञात करके उनके CDR प्राप्त करके एनालिसिस किया, तो किसी की भी लोकेशन उस रास्ते पर नहीं मिली। फाइनली हम लोगों ने CCTV कैमरों की मदद ली और पीछे 5 किलोमीटर पीछे से ट्रेस करने का प्रयास किया, तो हमें ऐसे पॉइंट मिल गए जहाँ पे बुलेट सवार दिखे और उसी के ठीक पीछे आती हुई लड़की दिखी। लगातार पूरे यात्रा के दौरान घटनास्थल तक बुलेट सवार उस लड़की वाले मोटरसाइकिल से आगे आगे चलता रहा है और 1 मिनट की दूरी से लेकर के 30 सेकंड तक की दूरी दोनों के बीच में पाई गई है। दोनों की रफ्तार बहुत अधिक थी, ये कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये लोग चल रहे थे, क्योंकि लगभग 10.5 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 9 मिनट में तय की उस भीड़ भाड़ भरे रास्ते पर। और वहाँ पर ये कम समय जो लगा इसे तय करने में, कम से कम गाड़ी की चाल को 80 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर रखना हो। कहीं भी जो जितने भी CCTV कैमरों में, कुल 8 CCTV कैमरों में मुझे दोनों के फुटेज प्राप्त हुए हैं, 8ों पर लगातार बुलेट सवार आगे रहा है और कम से कम 200 से लेकर के 1 किलोमीटर की दूरी तक आगे रहा। देखिए, पूरी जांच के दौरान हमें छेड़खानी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला। एक घटना विशुद्ध रूप से एक दुर्घटना की घटना पाई गई, मौके के चश्मदीद मिले हैं। एक बुग्गी की वजह से एक ऑटो रिक्शा, एक टेम्पो जो है उसके पीछे आकर अकस्मात रुकता है। टेम्पो के पीछे बुलेट सवार के होने के कारण बुलेट सवार अपने इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और ठीक 10 या 15 सेकंड की बाद दूरी पर वो बची रही होगी उसकी मोटरसाइकिल आ। इसके बाद बुलेट सवार ने अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करा लिया, उस पर लेमिनेट करा करके सेना का कलर लगा लिया, उसका साइलेंसर निकलवा के छुपा दिया, पहिए बदलवा दिए ताकि पुलिस लगातार बुलेट की तलाश कर रही थी, तो उसने पूरे प्रयास किए कि उसकी बुलेट कहीं से भी शिनाख्त के दौरान न आए। लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद हम लोगों ने सही अभियुक्त, सही गाड़ी और उसमें जो परिवर्तन संशोधन कर और फिर गाड़ी में चेंजिंग कराए गए थे वो उसकी जानकारी में थे, तो साक्ष्य मिटाने के कारण उसे हमारी भी पूरी संपूर्ण संवेदना उस परिवार के साथ है। परिवार बहुत दुखी स्थिति में है, एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी बच्ची से चली गई है, तो ऐसे में उस बारे में कोई टिप्पणी करना उचित है। बुलंदशहर पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों लोग वही बुलेट राजा हैं, जिन्हें सुदीक्षा का गुनहगार माना गया। मगर गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि सड़क हादसे में सुदीक्षा की मौत हुई थी और इनके द्वारा सुदीक्षा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। बुलंदशहर पुलिस अधिकारी भी दावा कर रहे हैं कि SIT की जाँच में भी छेड़छाड़ की कोई बात सामने नहीं आई है। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए एक बुलेट सवार आरोपी की उम्र लगभग 56 साल है और वो कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम करता है। देखिए, हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ थे कि ये घटना 10 तारीख को सुबह लगभग 9:45 बजे औरंगाबाद से पहले एक चरौरा गांव आता है उसके सामने रोड पे हुई है। इसमें बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी छेड़छाड़ की या चाचा बाइक चला रहे थे, तो पूरी घटना की जांच के लिए एक SIT का गठन किया गया। हमारे यहाँ CO दीक्षा सिंह है और 2 इंस्पेक्टर 3 सदस्य SIT का गठन किया गया, जो SIT वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जांच किया है। आपको SSP साहब ने बताया कि यहाँ 10,000 से ज़्यादा बुलेट बाइक रजिस्टर्ड हैं, बुलेट बाइक की छानबीन की गई और फिर बाद में CCTV कैमरे का सहारा लिया गया। टोटल 10 CCTV कैमरे की फुटेज हमारे सामने आई, जिसमें से एक में वो व्यक्ति एक गली का है जहाँ वो व्यक्ति जो बुलेट सवार व्यक्ति है अपने सहयोगी को लेने गया था और एक दुर्घटना के बाद है। बाकी 8 CCTV फुटेज में आगे आगे बुलेट जा रही है और पीछे पीछे सुश्री सुदीक्षा भाटी अपने भाई के साथ बुलेट पे जा रही है, मोटरसाइकिल पे जा रही है। पूरी घटना का फुटेज आपको दिखाया गया है, जहां दुर्घटना हुई वहां के चश्मदीद गवाह
जो हेमंत शर्मा नाम के व्यक्ति हैं उन्होंने जो देखा वो आपसे शेयर किया। वहाँ जो भूखी जा रही थी आगे एक व्यक्ति गेहूँ बेचने जा रहे थे उन्होंने आपको देखा जो था वो बताया। तो परंतु ये बात है, अब देखिए इसमें शुद्ध रूप से जो निकल के आया है वो है कि महज एक दुर्घटना थी, छेड़छाड़ से संबंधित कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। परंतु चूँकि वो परिवार बहुत ही गरीब है और सुश्री सुदीक्षा भारती बहुत ही प्रतिभावान थी जिनका असमय निधन होने से परिवार को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। दूसरा, सुश्री सुदीक्षा भारती के बहुत सारे छोटे भाई बहनें जो अभी पढ़ रहे हैं और उनके पिताजी महज एक चाय की दुकान चलाते हैं तो परिवार का खर्चा भी कहीं ना कहीं से सुश्री सुदीक्षा भारती के जो इनकम जो भी था सोर्स ऑफ इनकम था उससे होता था। तो हम लोग इसको यद्यपि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से महज एक दुर्घटना है परंतु एक मानवीय दृष्टिकोण से जिला प्रशासन राज्य सरकार बहुत ही इनके प्रति संवेदनशील है और हम लोग चाहेंगे कि गरीब परिवार को जितना जिस हद तक मदद हो सके फाइनेंशियल मदद सरकार की तरफ से हो या जो समाज के व्यक्ति हैं जो सोशल किस्म के उनके तरफ से ज़्यादा मदद हम लोग उस परिवार को। सुदीक्षा का केस जिस तरीके से हाइप हुआ और लगातार मीडिया में 6 दिन ये लगातार बना रहा, इंटरनेशनल मीडिया में बना रहा, जो SIT की हेड लीड कर रही हैं जो दिख मैडम जो लीड कर रही हैं इसको, तो क्या शासन की तरफ से आपकी तरफ से कोई इस तरीके का लेटर भेजा जाएगा कि जिस 6 दिन में जो घटना का अनावरण जितना सही तरीके से उन्होंने किया है, छेड़छाड़ जिस तरह से बताई जा रही थी, सही आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, तो क्या आपकी तरफ से कुछ? देखिए ये पार्ट ऑफ वर्क है, जब भी कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो शासन को सतत सूचना देना हमारा काम है और हम लोग शासन को इस अपडेट से हमेशा सूचित करते रहे और आगे भी इसके संबंध में जो आई है उसे हम लोग शासन को अवगत करवाएंगे और ये अवगत करवाते हुए हम शासन से अनुरोध करेंगे कि मानवीय दृष्टिकोण से परिवार गरीब होने के कारण और परिवार के उनहार सदस्य के असमय निधन होने के कारण जो भी फाइनेंशियल मदद हो उनको पहुँचाए। पुलिस के मुताबिक आरोपी 10 अगस्त को राजमिस्त्री राजू को लेकर काली बुलेट से निर्माणाधीन साइट पर जा रहा था। औरंगाबाद चारोरा मुस्तफाबाद के पास उसकी बुलेट बाइक के सामने अचानक हरे रंग का ऑटो और भैंसा बुक गया गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और इस हादसे में सुदीक्षा की मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि मामला बहुचर्चित हो जाने से दीपक डर गया था और इसीलिए उसने बुलेट को मॉडिफाइड करा दिया। इतना ही नहीं, किसी को शक न हो इसलिए दीपक ने टायर, साइलेंसर और जाट लिखी नंबर प्लेट भी हटवा दी थी। पुलिस ने राजू और दीपक की निशानदेही पर मॉडिफाइड बुलेट बाइक, साइलेंसर, हेलमेट, नंबर प्लेट और टायर बरामद कर लिया है। CCTV कैमरे की मदद से मिली कामयाबी। सुदीक्षा भाटी की मौत सड़क हादसा था या कुछ और, इस मामले की जांच के लिए SIT की टीम का गठन किया गया था। SIT प्रभारी CO City दीक्षा सिंह ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल में कई अहम सुराग हाथ लगे। पुलिस की माने तो CCTV फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस आरोपी बुलेट सवारों को पकड़ पाई। इनमें 56 साल का राजू मिस्त्री और दीपक चौधरी है। जहां पुलिस ने घटना से जुड़े सभी प्रत्यक्षदर्शियों को मीडिया के सामने खड़ा किया तो वहीं 10,700 बुलेट खंगालने के बाद सुदीक्षा के गुनहगार बुलेट राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया, जबकि पुलिस जांच के बाद भी दावा कर रही है कि सुदीक्षा के साथ छेड़छाड़ जैसी कोई वारदात नहीं हुई थी। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।